नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जिस तरीके से कोरोना में अपना सभी लोग ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एशिया में आता है, साउथ वेस्ट पैसिफिक सी के बीच में एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है सोलोमन आइसलैंड। शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ का वीज़ा ले सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड में जाकर एक काम करना चाहते हैं या वहाँ से आगे जाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं सोलोमन आइसलैंड के बारे में बताना चाहता हूं। तो सोलोमन आइसलैंड जो है दोस्तों साउथ एशिया पैसिफिक न्यू पापुआ गिनी और वनुआतु के बीच ऑस्ट्रेलिया के करीब में स्थित है। और ये करीब इस कंट्री को लैंड ऑफ आइसलैंड कहा जाता है, यानी कि ये करीब जो है टोटल 900 आइसलैंड का एक ग्रुप है जिसको सोलोमन आइसलैंड कहा जाता है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो है ग्वादल कैनाल करके एक आइसलैंड है जिस पर यहाँ की कैपिटल हनेरिया स्थित है, हनेरिया। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप यहाँ, मान लीजिए आप यहाँ जाना चाहते हैं तो किस तरीके से जाए। तो हनेरिया दोस्तों सोलोमन आइसलैंड जाने के लिए मोस्टली जो आप इंडिया से सिंगापुर होते हुए या मलेशिया होते हुए या इंडोनेशिया होते हुए आप सोलोमन आइसलैंड जा सकते हैं। तो यहाँ जाने के लिए मोस्टली जो है सिंगापुर से एयर नागोनी जो कि पापुआ न्यू गिनी की एयरलाइंस है वो मोस्टली जाती है, या फिजी से भी आप जा सकते हैं। ये फिजी से पहले पड़ता है, फिजी के पास है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके आइसलैंड के बारे में कि यहाँ पर किस किस तरीके की क्या क्या सुविधाएँ हैं, किस तरीके का है। तो दोस्तों यहाँ की जो टोटल आबादी है वो है करीब 2018 के अनुसार 5 लाख की यहाँ की आबादी है। यहाँ पर जो सोलोमन आइसलैंड डॉलर चलता है जो इंडियन करीब 8.5 रुपये के करीब होता है, इंडिया के 8.5 रुपये, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ की जो टोटल आइसलैंड है वो करीब 900 आइसलैंड, और ये जो है वर्ल्ड वार सेकंड में काफ़ी सुर्खियों में रहा क्योंकि जापनीज और अमेरिकन के बीच में जो यहाँ वर्ल्ड वार सेकंड में काफ़ी फाइट हुई। यहाँ पर जो है इसी है जो ग्वादलकैनाल आइसलैंड है इस पर उसके अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पर जो रहने वाले जो मोस्टली लोग हैं दोस्तों वो मलेशियंस कहते हैं, जो न्यू जर्मनी से यहाँ से करीब 3000 साल पहले यहाँ पर आए थे दर्शन के लिए। तो उन्हीं का ये कंट्री है मोस्टली, जो वही लोग हैं 90%। और यहाँ पर दोस्तों जो मोस्टली बिजनेस है यहाँ पर नारियल की खेती का, बॉक्साइट और माइंस और फिशरीज यहाँ के मेन बिजनेस है। और यानी कि एक साधन संपन्न और टूरिज्म भी यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बीच है, समुद्र आप जहाँ पर होगा आप जाहिर सी बात है कि वहाँ टूरिज्म का भी इसको बता दो, टूरिज्म भी यहाँ का मेन बिजनेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ का वीज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों वीज़ा लेने के लिए आपके पास में पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, एक वैलिड पासपोर्ट के साथ में आपको जो वीज़ा फॉर्म फिलअप करना है, होटल और रिटर्न टिकट आपको रखनी है और बैंक स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें एक साथ कलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो है इन सबको इमिग्रेशन ऑफ सोलोमन आइसलैंड को डायरेक्ट पोस्ट करना होता है वीज़ा लेने के लिए। और जो वीज़ा फीस होती है वो करीब 800 SBD, करीब जो 7400 इंडियन रुपीज़ के करीब आती है। और दोस्तों यहाँ थोड़ा सा यहाँ का टिकट महंगा है। और दोस्तों मैं और आपको बता देता हूँ कि ये जो है सोलोमन आइसलैंड जो इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं वो यहाँ आकर के बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और अच्छा बेहतर कमा भी सकते हैं। कुछ समय तक यहाँ रहने के बाद में अगर हम मान लो यहाँ पर शादी कर लेते हैं या अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सोलोमन आइसलैंड पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो 42 है, और यहाँ के पासपोर्ट पर आप कम से कम 116 कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं।
116 कंट्री के अंदर आपको कनाडा के लिए, कनाडा आप ट्रेवल कर सकते हैं ई वीज़ा पे, आप कोरिया ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, पूरा यूरोप आप ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, पूरा यूरोप, शेंगेन कंट्री और अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो। तो दोस्तों आयरलैंड है, यूके है, आप इसके पासपोर्ट पे ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कुछ समय यहाँ रहते हैं और अपना बिजनेस करते हैं या किसी और वे में पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं यहाँ का, तो यहाँ के पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो काफ़ी वैल्यू है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ दोस्तों मैं नई नई वीडियो लेकर के आता रहता हूँ कंट्री इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो और वीज़ा से संबंधित जानकारी और आपको वर्क परमिट से संबंधित जानकारी आपको देता रहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अभी इसके बाद में मैं आपको फिर एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के बाद में, जो आपने बहुत कम सुना होगा, हो सकता है कि नहीं भी सुना हो, ना ही उसके बारे में कोई YouTube पे या कहीं पर ऐसी इन्फॉर्मेशन है। एक ऐसा कंट्री, ऐसा एक छोटा जजीरा है, वो भी यानी कि आइसलैंड है, जो कि यूके के आउटर टेरिटरी है। अगर आप वहाँ जाकर के भी रहना चाहें या बिजनेस करना चाहें, वर्क परमिट लेना चाहें, तो उसको लेने के बाद ही आप यूके जा सकते हैं। मैं उसके बारे में अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।